जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ललन प्रधान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चुनाव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी, मैं हूं रामप्रसाद भारती। इस समय माहौल चल रहा है चुनाव का, महापंचायत पूरे भारत का महापंचायत कह दिया जाए तो ये अभी कम है। हर जगह चट्टी चौरा है, गली और शहरों में केवल एक ही चर्चा चल रहा है चुनाव को लेकर के, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसके तरफ लोगों को रुझान है और किसके तरफ लोग बता रहे हैं कुछ। अब आ गए हैं मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है कि ग्राम पंचायत छोटा सा है करौत ग्राम पंचायत में आए हैं। तो यहाँ प्रधान जी के पास लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रही नहीं रहा, लोग प्रधान जी को कह रहे हैं कि भैया इनके द्वार पर लोग बिरादर से पूछ रहे हैं कि सब समीकरण चलता यूपी में बिरादर चलता केतनो हाथी वाला के हम नहीं कहत और अनुसूचित चमार भाई लोग कहा कि हाथी छोड़ दो चल जाए दूसरा और, तो वो माने के तैयार नहीं का। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव भी होता। अब क्या कौन बिरादर हो चाची? तब तब जब दूसरा हो नहीं कि जाए एक बार के वोट दे, चल बात हो के वोट दे एक बार साइकिल पर मारा साइकिल पर ई कहा है साइकिल पर साइकिल पर बेचारा तो साइकिल पर मारा विचार बन गया। अच्छा कहा ना जब साइकिल पर मरह के बाद तो ललन प्रजापति की घरवा का करे आई बार भाई हमर प्रधान रोहन कुमार के संग संग हम रहई ना उनके दुआर पर हम हमेशा आई ला उनिकन बोलवले तो के या हां कि या साइकिल पर बताइयो ना ये प्रधान के हमेशा आई ना प्रधान को तक नहीं हमर दुआर ना आई आवेली आवेली तो आज अच्छा महीना से घाई आई नहीं चले लगन तो फिर प्रधान से। अरे प्रधान जी कैसन हो? कैसन बढ़िया बढ़िया मन का सुघर सुघर काम हम ठीक काम हां काम करेला। माता जी का नाम हो आपको? देवंत। आप कौन बिरादर हो? घरे ही हां समझ गए मैं बतिया। तो आप लोग का क्या रुझान बा? हम ऐसे पूछा था ना कि आप लोग इकट्ठा बनी जा जाइब जो हो एक एक आदमी के, आप लोग इकट्ठे 50-60 आदमी हमके नजर आवत हैं, जस 50-60 आदमी से ऊपर बन जा के और दिया ही साइकिल पर दे। अरे यार राजभर भैया नाम आप लोग का जगावले माना पूरा भारत में जगावे दो हम इनका जहाँ विचार बता है ना दे लिए कि कहाँ दे लिए हम इनका साइकिल पर विचार बात साइकिल पर दे लिए साइकिल पर दिए। चलिए और लोग भैया क्या नाम होगा आपका? जय प्रकाश प्रजापति। जय प्रकाश प्रजापति बता दिए किसका किसके तरफ रुझान है? आप लोग तो माहौल देख रहे हैं चट्टी चौराहे पर आप काम करते हैं ये जो भी, लेकिन ये इसका माहौल घोसी का ही बता दीजिए क्या माहौल है, किसके तरफ आप जा रहे हैं? तो माहौल तो साइकिल का है, साइकिल को हम प्रश्न जीते ये कैसे क्या करें? इसलिए कि हम लोग देहात में घूम रहे हैं ना, देख रहे हैं हर जगह माहौल चल रहा है साइकिल 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 साइकिल। अरे वर्तमान सरकार का योजना गिनाया वाला तो सियारा जाए मेरे ठीक है, वर्तमान काम का किया है, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी है लेकिन 5 किलो राशन होगा तो 5 किलो राशन हुआ तो पहले हूँ तो राशन मिलत रहे, अब राशन मिलत है अब तो फ्री में मिलता पहले पैसा। हाँ तो पहले आज अब फ्री में मिला था, पहले 35 किलो मिलत रहे दो आदमी रहे था, अब 5 किलो मिला था तो 10 किलो दो आदमी भाई। अरे बार एक एक लोग गणित अपना गुणा गणित फिट करके बैठे हैं सरकार को दबोचने में। ये भाई साहब इतना अफेक्ट बात किए हैं कि जब मिलता था तो 35 किलो, अब मिल रहा है तो 10 किलो। क्या नाम होगा भैया आपका? लाल बहादुर भारती। लाल बहादुर भारती यानी दलित हैं, अनुसूचित हैं, जमार हैं। आपका रुझान का बात की है? हमारे का रुझान बांटे जे बीजेपी के हराई होकर वोट कर बीजेपी के वर्तमान सरकार के हो मोदी के योगी के मोदी के योगी के भैया का ऐसा इन हालों में कमी तो जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद। कमी ये बाटे कि घोषणा तो कर देता है जा कागजी कार्रवाई में जमीन पर नहीं खेल, जमीन पर का नहीं खेल? 5 किलो राशन को हतम तो मिलते बा आई एकदम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है वो चल गई बा फ्री में दवाई हो। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, शायद आप देखे होंगे आज का अर्जुन जो फिल्म है उसने अमरीश पुरी एक डायलॉग मारा था कि पहले इन लोगों को मुफ्त का अनाज खिलाओ उसके बाद उन लोगों पर धावा करो, ठीक है? तो वही
अरे वाह, लोग कहते हैं कि देहात का लोग बड़ा बुढ़बा खोला, लेकिन यहाँ तो शहरों को भी टाल दिए हैं। एक भाई साहब इतना बारीकी बता दिए हैं, फिल्म से लेकर के स्टार्ट किए हैं और ले आकर के सरकार तक खत्म कर दिए। क्या नाम होगा भैया? सजनू अहमद। सजनू अहमद भैया, क्या माहौल बा, केकरा और रुझान बा आप लोग का? भाई साइकिल पर, साइकिल पर वोट दिया है, शुरू से साइकिल पर हम उनको देले बांगे, आज वो साइकिल पर दिया जो ओतवा। हाँ, हम उनको कहीं हटे वाला ना है क्या? अच्छा एक बात और बताओ, एक दिन हम देखा नहीं चट्टी हो रतनपुरा चट्टी पर, तो लल्लन प्रधान जी, लल्लन प्रजापति जो पूर्व के प्रधान है करौत ग्राम सभा के, वो 50-100 आदमी लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करता हूँ। अब हमके ना समझ में आवे कि वो जिंदाबाद के अंगन करता ना, अपनी विकास पर अपनी कार्य पर लोग इतना जुड़ल रहे ना उनसे कि हमारा समझ से बाहर रह, कहा जुड़ल है उनसे। भैया हम तो सूर्य से जुड़ल हैं, जा उतना बेचारा करल ना, तब सब को जुड़ल पहले का चाची उतना वो करल ना प्रधान ललन प्रधान, तब उतना उनके ऊपर ढहल हम में बात में शामिल है। अच्छा आप लोग पेंशन से मिले ला? सब मिले ला भैया, वो दियो ले। हां अब आसो दी जानी है। और चलिए बात अब का करे इधर जाने भैया, हम उनका शुरू से प्रधान के संगे रहल हैं, जा अब प्रधान के संगे बन जा, हम उनका साइकिल पर वोट। अरे भैया ये चुनाव है, ये मत आपका है, बहुत कीमती मत है। अब प्रधान जी के कार्य पर, प्रधान जी के कहला पर और क्यों के कहला पर? भैया प्रधान जी के कहला पर ना है, हम उनका शुरू से प्रधान जी के संगे रहल हैं, जा आज आप प्रधान रहिए तो आ रहल जी, हम उनका आज भी रहे के तैयार बन जा। अब जब बस संगा बैठला बन जा ना, मंगा भैया दिनेश प्रजापति, क्या आप तो युवा है, युवा को कह दिया जाए तो देश का कर्णधार है, देश में इनकी एक पकड़ रहती है, युवाओं से ही देश चलता है। आपका रुझान क्या है? रुझान क्या है कि हम सपा को ही होते हैं, सपा को, क्योंकि जो इधर का माहौल चल रहा है उस माहौल में ऐसा लग रहा है कि सपा को ही उठ जा रहा है। हम लोग चट्टी चौराहे पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं तो लोगों का मत ये कि सपा को उठ जाए, क्योंकि हमने उनको भी देख लिया है 10 साल, तो थोड़ा सा सरकार में फेर बदल कर बदलाव करेंगे। क्या नाम है अभी आपका? आप क्या रुझान है, क्या मत है, किधर जा रहे हैं आप लोग? आप लोग जा रहे हैं और माहौल तो देखते होंगे ना घोषित का? नहीं नहीं देखते हैं, क्योंकि थोड़ी है कि सपा का रुझान यहाँ पे जाते हैं और हम लोग इसके बदलाव में चाहते हैं। क्या बदलाव करेंगे? बदलाव की सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं। अच्छा मान लिया जाए घोषित से एक सीट आप लोग निकाल लेंगे तो कैसे बदलाव होगा? क्या नाम होगा सर? आपका क्या रुझान है? बस सप्पा, और कुछ बेरोजगारी है और सब भी है तो आदमी वो कर रहा है ना। अच्छा बेरोजगारी आप लोग कह रहे हैं, बेरोजगारी है युवाओं को तो रोजगार, कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो आदमी क्या करेगा बताइए आप? 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो बच्चे करेंगे क्या? अच्छा सरकार कह रही है कि हम तो वैकेंसी निकाल देते हैं, रिजल्ट ये निकाल देते हैं, वैकेंसियां निकाल देते हैं, परीक्षा तक पहुंचा देते हैं, जब लीक हो जाला तो हमारा मका दोस्त। सरकार लीक कराती है और कौन कराता है? अरे जो लीक किए थे पेपर वाला लीक किए तो पकड़े गए हैं, सरकार के कब्जे में है, हमें पैसा करना पड़े। कह रहे हैं हमने हम तो कब्जा कर लिया, जो चोर थे जो लीक कराए थे उनको हमने बंद कर दिया है। दिखाए कभी आपको टीवी पे? आज तक कभी दिखाए हैं? नहीं दिखाए, बस झूठे वादे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस दिखाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। हेलो भैया, क्या नाम है? रामलाल चाचा, क्या माहौल बा, क्या सिचुएशन बा, केकरा और घोषी के लोग जाता ना, केकरा के जिताओ चाहता ना, अब तक धीरे धीरे नजदीक भी आता, जितने नजदीक आता उतने गर्म माहौल होता। सब कहता है कि तू हित के, हाँ हिते ना बा, सारा का पैसा कुल लुटवा लिया ना, हिते ना बा, के हित बा, हाँ जोगी मोदी बा, और के हित बा, हित हम जा, सब का हित ना हम जा तो का हम जा, हर बात का ध्यान जा, देश के बेबकी बा। अच्छा वो लोग हित हम जा और सब दुश्मन बा? दुश्मन बा के सब हिते, वो है ना बा जा, दुश्मन है ना बता पे ना होता है बा।
ये खाली और ही देख ला वोट दे के। हाँ तो दी आई चला के दी आई साइकिल के दी आई हो उनके तो हम कब देबे ना कल। अरे जे कम हम रिश्ता जोड़ ला हो ना तो ना ही रिश्ता तो टूट गई। हाँ। चलिए चलिए ऐसे आंधी और ऐसे तूफान में लोग मिलते रहते हैं, अपनी अपनी ही बात करते हैं। चलिए इधर युवा लोग हैं, इनसे भी बात हो जाए। क्या नाम होगा बाबू आपका? कैंप पढ़ते हैं, आरटीआई करते हैं। तो राजनीति तो सुने होंगे, करते नहीं होंगे लेकिन सुने होंगे। तो घोसी का अब महा चुनाव होने जा रहा है, तो महा चुनाव में किधर रुझान है लोगों का? आप कितने वर्ष के हैं? 19 साल में तो वोट दे बना। किसको देंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। अरे लहर तक होता ना आदमी की चप्पले बाई वर्तमान सरकार के, वर्तमान सरकार का खाता नहीं जा, वर्तमान सरकार का पूरा तेल साबुन लगा होता नहीं जा। आपका विचार? नहीं, हम नहीं देंगे समाजवादी पार्टी। क्या नाम? सत्यजीत प्रजापति। देखिए मैंने कहा है कि युवाओं के चेहरे पर इस समय खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट इसलिए है कि अब ये आने वाला है महापंचायत चुनाव। कह दिया जाए तो पूरे भारत का चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर के यूपी में 80 सीट पर एक सीट है घोसी, और घोसी सीट पर पूरे भारत का नजर रहता है। तो भारत के आप लोग युवा है, आपका क्या ख्याल है, किधर जा रहे हैं आप लोग? सत्ता की तरफ जा रहे हैं। वर्तमान सरकार बड़ा योजना लगाने की बात नहीं है, जो हम लोग को सुविधा अच्छी नहीं मिल पाती है तो क्या करेंगे, सबके को तो जिताएंगे ना। कहाँ नीचे योजना मिला? योजना बहुत है। एक बात हम लोग क्योंकि इतने दिन से भर्ती कोई आ नहीं रही है, कोई भी भर्ती आ रही है तो चली जा रही है कोर्ट में, तो क्या मतलब है बताए? री एग्जाम हो जा रहा है। री एग्जाम ऐसे होता कि और तैयारी पूर्ण कर ले बजा और हो जी बजा। नहीं, उसकी बात नहीं है ना, जो बच्चा तैयारी कर रहा है इतना दिन से 5-6 महीने तैयारी कर रहा है, और जब वो कर देंगे एग्जाम आउट कर देंगे तो फिर क्या होगा बताइए? क्या नाम है? क्या माहौल है, क्या आपका सिचुएशन है, क्या आप लोग चाहते हैं, किसके तरफ रुझान है आप लोगों का? साइकिल पर। अच्छा भैया, ये भारत का चुनाव है, इसे प्रधानमंत्री को बनाना है, आप लोगों के चुनेंगे सांसद और सांसद जाकर के प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो ऐसे सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं किसको? साइकिल को। साइकिल, साइकिल में का ऐसा बा भैया? समाजवादी पार्टी में का ऐसा बा? 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री है ना, सोच रहे हैं कि इस बार चेंज करते हैं। ओ, मेरा नाम नीश कुमार भूसिया है, ग्राम गुबरिया मिलान करता हूँ। अच्छा, है रुझान का भाई, मैं आप लोग का नेता बन गया, राजनीति करता गया, नेतागिरी करता गया, तो आप अपने ही पार्टी के बात करब जा, तो क्या रुझान लग रहा है, किस पार्टी से मिलान करते हैं आप? पार्टी मेरा समाजवादी है, अगर रुझान ले रहे हैं यहाँ ना, यहाँ तो लड़ाई है ही नहीं। कहाँ लड़ाई नहीं है? घोसी में। घोसी में यहाँ तरफा है। देखिए, मैं हर काम से कम 10 गांव 15 दिन में टच करता हूँ अपन साधन से। प्रचार भी करते हैं? अरे किस टच करते हैं, प्रचार क्यों करते हैं उसका? यहाँ ये है कि कहीं कहीं जो भी लड़ रहा है, कहीं सपा से बसपा लड़ रहा है, कहीं सपा से भाजपा लड़ रहा है, हम हर जगह लड़ रहे हैं, हर ग्राम सभा पाचा कांची जगह मैं सेकेंड हूँ, मेरा फर्स्ट हर जगह जा रहा है, मैं एक नंबर पर चल रहा हूँ। यहाँ नहीं, रसना पूरा चाहे घोसी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मैं एक नंबर पर हूँ, आप कह रहे हैं मैं एक नंबर पर हूँ, सब बसपा वाले कहते हैं कि मैं एक नंबर पर, तो आप ही सभी लोग एक नंबर पर हैं, तो दूसरा का नंबर पर के बाद? ये बड़ा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन किए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे ले लीजिए बालकृष्ण चौहान जी हैं, यहीं करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक मुस्तफाबाद गाँव है, इन्हीं का चुनाव था, यही एमपी का चुनाव था बालकृष्ण चौहान का। वहाँ का एक एजेंट जिस मात्र उनको खंडा कराना था, जबकि होमगार्ड नहीं सुन रहा था उनका, ये अपनी सिफारिश अपने निवेदन एसपी से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के शासन तक अपनी गुहार लगाए, लेकिन हार मान करके उन्होंने भी अपने अपने भौड़े से अपने खंडे को लगाए। इनकी मंत्री बनने से क्या मतलब, ये तो खिलौना है जी,
कौन ये मंत्री नहीं है ये कौन है किसको खिलौना कर रहा है किसको खिलौना ओम प्रकाश जी खिलौना है वो कैबिनेट में मंत्री है भैया तो खिलौना क्या हो रहा है बच्चे को दे दिया दी लेगी इसने बचे रहे पांच बच्चे का खिलौना मात्र दो चार घंटे के लिए अच्छा नेता जी एक बात सुने हैं कि नहीं वीडियो उनका वायरल हुआ है कि मेरे गमछा को अगर लगा करके एसपी के पास जाएंगे दरोगा के पास जाएंगे थाना में जाएंगे चौकी में जाएंगे तो वहां मैं सीधा झलकूंगा वो आप सही कह रहे थे लेकिन उनके लोग समझ नहीं पाए उनके कहने का तात्पर्य क्या था उस गमछे में वो गमछा जैसे पीला गमछा हो पर्दा के रूप में हो जैसे नाच का पर्दा नहीं होता है एक एक किनारे पर प्रकाश जी है एक किनारे पर उनका लड़का है उसमें रोल लिया जाता है सिपाहियों का दरोगा का जो भी जैसा सीन आता है उस सीन को उन्होंने दर्शाया कि मैं ड्रामा पार्टी वाला हूँ ये समझ नहीं पाया उस गमछे को लेकर थाने में पहुँच गया। अरे नेताजी तगमा है वो गमछावा तगमा है अगर गमछावा के केहू देख ले तो थर थर मैं कह तो रहा हूँ वो बेचारा मारा गया फिर जाकर मोबाइल छीन ले गई उसकी बहुत प्रताड़ित किया गया उन्होंने अपने मंत्री से अपनी गुहार लगाई वो कह रहे मैं पहचान नहीं रहा हूँ बताइए जिन्होंने इनके गमछे को लेकर प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है इनके द्वारा नकारा जा रहा है मेरा मेरा जिलाध्यक्ष नहीं है चाहे मेरा वह आदमी नहीं है बताइए उसके साथ पचासों लोग कैद कर करता बस सुहलदेव का लेकिन समझ नहीं पाया कि उस यह तांत्रिक जी जो ओम प्रकाश तांत्रिक कौन बिरादर हैं मैं चमार हूँ अनुसूचित जात हूँ तो बात कह रहे हैं कि मेरा बैलेंस वोट है चमार भाइयों का तो आप भी उसी में आते हैं ना हम आते हैं नहीं हम लोग गांव के गांव कम से कम 30% 40% वोट चढ़ चुका है राजू राय के ऊपर उसमें शंका नहीं तो 4 तारीख को रिजल्ट आने ही वाला है हर गांव से 5-10 चमार चल दिए हैं राजू टाइट कर देना जापन उठुआ अरे यादव लोग का बात अरे भैया टाइट का कई रूप होता है खुशी में लोग नाचते नहीं हैं वही नाच को लोग कहते हैं कि टाइट कर दो टाइट नहीं करते खुशी में नाचते हैं अच्छा खुश होकर टाइट करना चाहेंगे खुशी में नाचते हैं मंग ऐसा चीज है करो क्या रुझान है क्या यहाँ का माहौल है कुछ यहाँ का हवा अब तो अपने और गांव को घूम ही रहा हूँ लेकिन पूरा ग्राम सभा करीब करीब डील कर दिया सब साइकिल के वोट कराऊंगा पूरा गाँव का राजू राय को वोट भारी मत से विजय कराऊंगा कई लाख से विजय कराऊंगा लग गई मैडम वोट ढेर लेकिन इस लोकसभा विधानसभा में बड़ा ही सब होता है इतना होता है तो मान के चलिए कि 800 से 900 वोट इनको जाएगा एक तरफा राजू राय को गिरेगा इतना आप गाँव में हर दौरी दल है सरकार जो वर्तमान सरकार है ये महाराज वर्तमान सरकार है तो वर्तमान सरकार तो हम है ये गाँव का हम सरकार है कि वर्तमान सरकार ही है वो कौन का काम करे योजना तो सरकार सरकार योजना दल तो योजना के लाभ तक क्यों पहुंचा पाई तब न पहुंची ये सरकार थोड़े योजना दिले सपो सरकार आवे तो योजना दिले BSPO आवे तो योजना सब सरकार में देते सब सरकार देती है लेकिन योजना तक कहाँ पहुँच पा रहा है पेंशन तो फंसी है दो दो बरस का तीन तीन बरस का लेकर दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं आदमी जिसका पेंशन नहीं आ रही है और तो जो चालू है उसमें से कट जा रही है बताइए अब उसमें दौड़ते दौड़ते हम थक रहे हैं रोज दौड़ते हैं जिला से लगाई गया हम ना दौड़ता नहीं हम ना परेशान बनी सरकार सही थे खाली में सही ना हो जाए पेंशनिया लेकिन रोज में झोले मार लेकिन रोज दौड़ता नहीं तो उन्हें खाती दौड़ते तो जान निकल सके रोज डाला मऊ हमारे काम करा खाती गड़बड़ाई था सब जानत रहे भाई बतिया के दौड़ता ना तो जब हम सारे काम करते हैं इन लोगों का तो कितना नहीं हमारे साथ रहे गाँव में देखिए आदमी जो गाँव के आदमी मदद करते हैं उसी के साथ रहते हैं किसी दल के हम ये नहीं कह रहे हैं सभी लोग देंगे जिताने के लिए किसको राजू राय को उनको भी हमारे सपोर्ट रहेगा देने के लिए भाई क्या है ऐसा है जो राजू राय आप लोग सभी लोग कह रहे हैं तो भाई हमको भी सबका सुन के आप कर तड़का हाँ। सुन करके जी अच्छा